रहीम, अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद हमना। आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही जबरदस्त आलू गोश्त की रेसिपी। आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है और कोई भी स्टेप मिस नहीं करना। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी तरफ से ये प्यार मोहब्बत और गिफ्ट होता है हमारे लिए। आइए चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 से 2 दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, उनको चॉप कर लिया है स्लाइसेस में। इनको ऐड कर देंगे। आपने ऑयल को हमेशा पहले गर्म करना है, उसके बाद प्याज ऐड करने हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 1 कप भर की कुकिंग ऑयल लिया है, जिसमें 2 दरमियाने साइज के चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए हैं। इनको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पे हमारे प्याज तकरीबन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, देखिए कितना प्यारा कलर आया है। अब इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने 2 से 3 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको अच्छे से पकाना है, ताकि इसका जो टेस्ट है वो अच्छे से इसके अंदर डिवेल्प हो जाए। आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। उसके बाद इसमें तकरीबन मैंने 1 kg चिकन लिया है, इस तरह से बिल्कुल साफ इसको आपने धो लेना है यूं, और इसको ऐड कर देंगे। हमेशा अदरक लहसुन को 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद उसके बाद आप चिकन ऐड किया करें, ताकि जिसकी जितनी भी स्मेल होती है, कच्चापन होता है गोश्त का, वो दूर हो जाए। आपने अब फ्लेम को हाई कर देना है और इसको अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट पहले फ्राई कर लेना है चिकन को। उसके बाद आपने जो फ्लेम है वो नॉर्मल कर देना है, लो टू मीडियम। इस तरह से आप इसको कवर देके हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट बाद आपने इसमें 3 साबुत हरी मिर्ची और 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। गोश्त को आपने तकरीबन 10 से 12 मिनट अच्छे से फ्राई करना है, और उसके बाद सारे बाकी आइटम्स आपने ऐड करने हैं। इनको भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत और मोटिवेशन होती है। आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है। आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब इसमें 1 बड़े साइज का टमाटर मैंने चॉप कर लिया है, इसको ऐड कर देंगे। इसको भी 1 से 2 मिनट अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाए। से मिक्स करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, और इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे हम अच्छे से पकाएंगे, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी अच्छे से गल जाएं, और चिकन में भी अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो वो भी इसकी पूरी कर देगा। वीडियो को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। कोई भी स्टेप मिस हो जाए तो फिर रेसिपी वैसे नहीं बनती जैसे आपको बताया जाता है। आप इसका कवर उतारेंगे। ये देखिए 5 मिनट अच्छे से मैंने इसको कवर देके पकाया है, ताकि जो टमाटर है वो नरम हो जाए और अच्छे से हमारा जो मसाला है वो पक जाए। मसाले को अच्छे से भुना करें, उसके बाद तभी आपके खाने में 4 चांद लगते हैं और वैसे ही ज़बरदस्त खुशबू आती है कि आपके घर वाले भी आपकी तारीफ करते करते थकते नहीं हैं। देखो अब इसका लो फ्लेम पहले था, अब इसको हाई करके 1 से 2 मिनट से जो पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। इस तरह से अच्छे से मिक्स करें। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, ये तकरीबन मैं 1.5 टेबल स्पून ऐड कर दूंगी। उसके बाद 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, और 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, एंड 1/2 टेबल स्पून मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। टेस्ट के हिसाब जैसे आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला ऐड किया है, और 1 टेबल स्पून इसमें नमक जाएगा। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से जिस तरह आप पसंद करते हैं आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1/2 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर जाएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, भुनेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे, ताकि किसी भी किस्म की इसमें कोई कमी बेशी रह ना जाए और मसाला हमारा जो है वो अच्छे से भून जाए। जितना मसाला आप अच्छे से भूनेंगे आपकी जो रेसिपी है वो उतनी अच्छी बनती है। हमेशा मसाले को अच्छे से भूना करें, जल्दी मत किया करें, भूनने से आपकी रेसिपी को
चार चांद लग जाते हैं। अभी से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मतलब सारा नीचे लगे नहीं और अच्छे से पक जाए। देखिए जबरदस्त कलर आ चुका है, हमारा मसाला भी अच्छे से भून चुका है। इसमें हाफ टेबल स्पून में कसूरी मेथी ऐड करूंगी, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते तो आप मत कीजिए, इससे बहुत ही जबरदस्त खुशबू आती है कसूरी मेथी से। इस तरह से इस सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स करेंगे, अच्छे से हाई फ्लेम करके इसको भूनेंगे। भूना बहुत अच्छे से करें मसाले को, जल्दी मत किया करें, ये आपको मैं हर रेसिपी में कहती हूँ। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपके दिल वाली प्यार मोहब्बत और मोटिवेशन होती है, आप हमें बताते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने 2 से 3 आलू लिए थे जिनको अच्छे से यूं चॉप कर लिया है बारीक बारीक, आप इनको ऐड कर देंगे। इनको भी अच्छे से मिक्स करके हम 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से पकाएंगे हाई फ्लेम पे, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आलू गोश्त जो है वो बहुत ही जबरदस्त बनता है, ये तो बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं आलू। इस तरह से इनको अच्छे से मिक्स करेंगे, आलू के भी अच्छे से मसाले के अंदर भुनाई करेंगे तकरीबन 5 मिनट, उसके बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। चुकी है, इसमें हम 1 ग्लास भर के पानी ऐड कर देंगे इस तरह, ताकि हमारे आलू भी गल जाए और इसमें लाइट लाइट सा शोरबा बन जाए। आलू गोश्त में शोरबा जो होता है वो खाने वाला होता है, इसका टेस्ट ही सारा आलू गोश्त में शोरबे का होता है। आप मसाला अगर आपने अच्छे से भुना हुआ है तो आपका आलू गोश्त बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। अब इसको कवर देके हम अच्छे से पकाएंगे ताकि हमारे आलू गल जाए। तकरीबन यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे और हमारे आलू गल जाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखें ज़बरदस्त हमारे आलू गल चुके हैं। इस टाइम पे आके एक दफ़ा आप चेक कर लें आपके आलू गले हैं या नहीं गले, इनको अच्छे से गला लें और उसके बाद इसका हाई फ्लेम करके आप जितना आप रखना चाहते हैं इसमें पानी आप उतना ऐड कर लें, बाकी ड्राई कर लें। ये देखें हाफ पानी मैंने ड्राई कर लिया है और हाफ रह गया है, ज़बरदस्त कलर आया और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमारा आलू गोश्त बनकर तैयार है। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। और मेरे चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार मोहब्बत और मोटिवेशन होती है, आपकी तरफ से हमारे लिए गिफ्ट होता है, हमारी हौसला अफजाई होती है कि हमें होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखकर इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।